तो वेलकम बैक गाइस। अगर आप आर्ट साइड से ट्वेल्थ पास आउट कर चुके हैं या आप आर्ट साइड से ट्वेल्थ कर रहे हैं, आर्ट स्ट्रीम से कर रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल होगा कि इस ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जो टॉप मोस्ट होते हैं आर्ट साइड से, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट होना चाहते हैं या आपको ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, और आपको लगता है कि ऐसी कोई कोर्स हैं तो सर बताइएगा। तो आज की अपनी वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ग्रेजुएशन के ऐसे कोर्स बताने वाला हूँ जो आप आर्ट साइड से ट्वेल्थ पास आउट करने के बाद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने इस वीडियो को दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों फिर एक बार आ गया हूँ मैं अपनी एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको 5 ऐसे कोर्सों के बारे में जो आर्ट साइड से करने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की चाहत रहती है कि मैं ये कोर्स करूँ, क्योंकि इन कोर्स के बाद जॉब एकदम से मिल जाती है और ये कोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स वाले, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स वाले कोर्स हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है गाइज, वो है आपका BFA। जी हाँ दोस्तों, BFA मीन्स होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो ये आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स कौन होते हैं, पहले मैं ये बात करता हूँ। आर्ट साइड वाले स्टूडेंट दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट, वो स्टूडेंट जिन्हें इंटरेस्ट होता है कि कुछ हटके करना है, लाइक कोई डांसिंग में जा सकता है, किसकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी होती है, कोई राइटिंग में जा सकता है, कोई सिंगर अच्छा होता है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। तो ये इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट साइड को अपनी मंजिल बनाते हैं और सोचते हैं इसके बाद मैं कोई ऐसा डिप्लोमा करूं जिससे मुझे जॉब मिल जाए। सेकंड कैटेगरी आती है वो स्टूडेंट जिन्हें साइंस और आर्ट्स कॉमर्स साइड बहुत ज़्यादा टफ लगती है और जो उसे क्विट करके आर्ट साइड लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमैनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बात करेंगे कि BFA है क्या। BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये एक 3 साल का एक ऐसा कोर्स है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में प्रबल हैं, जैसे आप डांस में हो सकते हैं, पेंटिंग में हो सकते हैं, आप फोटोग्राफिंग में हो सकते हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप इसको कर लीजिए, दिल्ली में हर जगह मिल जाएगा। इसे करने के बाद आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वही लोग जहाँ से जिस भी यूनिवर्सिटी से आप इसको करेंगे कोर्स को, वहीं पे ही आपका कैंपस प्लेसमेंट्स मिल सकता है आपको, हो सकता है वहाँ की किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहाँ पर हायर कर लें। जैसे फोटोग्राफी के लिए आप किसी के इंटर्न में काम कर सकते हो जो बड़े फोटोग्राफर हैं, डांसिंग के लिए आप किसी भी कोरियोग्राफर के साथ काम कर सकते हो, ऐसे ही आप सिंगिंग में किसी भी सिंगर के साथ को एक्टर के रूप में काम कर सकते हो। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं अगर आप BFA कोर्स करते हैं। तो फीस की अगर मैं बात करूं तो इसकी 50,000 से 1,00,000 रुपए एनुअल फ़ीस होती है, और इससे कम में भी हो जाता है, बट देखना पड़ता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कैसा है। प्राइवेट में ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट नाम आ जाए तो कम होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये BFA का कोर्स है ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में जो भी प्रोवाइड करा रही हैं, तो इसको आपको सर्च करना पड़ेगा इस कोर्स को करने के लिए। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जब उनके पास कोई राह नहीं बचती कि ग्रेजुएशन में क्या करें आर्ट साइड से, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है BA। फर्स्ट, सेकंड, वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की UPSC की तैयारी करते हैं या IAS की या PCS की तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ऑप्शन होता है BA, क्योंकि BA में आपको 3 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, उन 3 सब्जेक्ट्स की सहायता से ही आप ग्रेजुएट हो जाते हो। तो वो अपने अपने जो सब्जेक्ट्स उनके एग्ज़ाम में आते हैं, लाइक आप कि कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपको लगता है कि आपके लाइक हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है, तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप इसको कर सकते हो। इसे करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, UPSC की तैयारी कर सकते हो, इसके बाद आप BEd या MA करके आप टीचर भी बन सकते हैं, तो ये भी ग्रेट बेटर ऑप्शन है। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो है होटल मैनेजमेंट। ये एक डिप्लोमा भी है और ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी है। जी हाँ दोस्तों, IIHM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के नाम से इंडिया में बहुत बड़ा संगठन चलता है, गवर्नमेंट है। यहाँ पे आपका जब एग्ज़ाम्स होता है, उस एग्ज़ाम्स को आप देंगे ट्वेल्थ के बाद, तो आपको एक रिलायबल इंस्टीट्यूट मिलेगा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा, बहुत कम फीस पर, 20-30 हज़ार फीस पर ही आप यहाँ से आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का मतलब, इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, आप यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे आप मार्केटिंग ऑफिसर बन सकते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी में देख सकते हैं, आप मैनेजिंग दे सकते हैं, आप एक कैश सेफ बन सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वेटर ही बनेंगे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपने BBA प्लस MBA का नाम सुना होगा, लेकिन ये मोस्ट ऑफ कॉमर्स वाले स्टूडेंट इसको सजेशन के रूप में लेते हैं और वो इसको करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। BBA में बहुत सारी स्ट्रीम्स ऐसी हैं जो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैट के एग्ज़ाम में, कि आप जैसे होटल, जैसे आपका HR हो गया,
जिसे हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसे मार्केटिंग हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो को बीए वाले स्टूडेंट्स भी, यानी कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो 3 साल का बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ ए कमर्शियल कोर्स, ये आपका एक बिजनेस कोर्स होता है, और उसके बाद आप एमबीए करें तो आपको जॉब बेहतर तरीके मिलेगी। बट ये याद रखें, बीबीए एमबीए का स्कोप बहुत है, बट आप किसी रिलायबल इंस्टीट्यूट उससे यूनिवर्सिटी से करिए। आप किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, उसके बाद वो फिर कोर्स में आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती, जिस कारण हम कहते हैं कि ये कोर्स हमारे लिए नहीं रहा। तो ये नहीं है, बस आप आज की डेट में जो वैल्यू है वो यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू है, कोर्स की नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। लास्ट ऑप्शन बात करते हैं टीटीसी, टीचर ट्रेनिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये बीटीसी के नाम से भी आता है, बैचलर टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये दो प्रकार की ट्रेनिंग हो सकती है, या तो आप ग्रेजुएशन करें बीए, उसके बाद आप बीएड करें, या आप इंटर के बाद ही 4 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है। इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस टीचर ट्रेनिंग कराई जाती है। इसे कुछ जगह डीएलएड के नाम से जानते हैं, कुछ जगह बीटीसी के नाम से जानते हैं, कुछ जगह इसे डीएड के नाम से जानते हैं, डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन या डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ नाम के जानते हैं। इसे करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बनते हैं। गवर्नमेंट वैकेंसी जितनी निकलती हैं इस कोर्स को करने के बाद टीचिंग की, तो उसमें आप भर सकते हैं फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, 4 साल का बेसिक कोर्स है, किसी भी आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। इसके लिए आप कुछ, जैसे यूपी है तो यहाँ पे इसकी मेरिट लगती है, आपके मार्क्स 10, 12 के जुड़ते हैं, उसके बाद आपका नाम आता है। उत्तराखंड है, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है, उसके बाद आप डीएड कर सकते हो। तो ऐसे ही आप हर स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे चल सकते हो। ये टीचिंग में जाने के लिए एक ऑप्शन होता है आपका। तो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। जो आपको पसंद आई उसके कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। और कोई भी आपके बारे, कोई भी क्वेरी हो किसी भी कोर्स के बारे में, तो मुझे कमेंट करिएगा। और इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है आपका, इंस्टाग्राम SBJ क्लासेस, उसको फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद वहाँ पर मैं लाइव आता रहता हूँ, वहाँ पर आपको लाइव वीडियोस मिल जाया करेंगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।